योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल में भी बुलडोजर अवैध संपत्तियों को ढहाते हुए खूब तेजी से दौड़ रहा है और अपराधियों के छक्के छुड़ा रहा है। इसी कड़ी में बुलडोजर अब चर्चित हस्तियों की भी अवैध संपत्तियों को रौंदता दिखाई दे रहा है। यूपी विधानसभा चुनाव में सबसे विवादित सीट रही कैराना में भी बाबा का बुलडोजर पहुंच गया। शामली जिले के कैराना में जिस समाजवादी पार्टी विधायक नाहिद हसन की गर्मी निकालने की धमकी सीएम योगी आदित्यनाथ ने दी थी, उन्हीं नाहिद हसन के चाचा के अवैध निर्माण को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया गया। शामली प्रशासन ने बताया कि कई साल पहले उन्होंने सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर अपनी इमारत खड़ी कर ली थी। शामली की डीएम जसजीत कौर के अनुसार 10 बीघा जमीन पर बनाए गए अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया है। राजस्व विभाग की टीम ने यह कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। शामली डीएम के अनुसार नाहिद हसन के चाचा ने कई साल पहले मंडी समिति की जमीन पर अतिक्रमण किया था। जिला प्रशासन की तरफ से सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर निर्माण करने वालों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, इसी के तहत यह कार्रवाई की गई। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान भी बुलडोजर का इस्तेमाल करते हुए कई अवैध निर्माणों को हटाया था। हालांकि विधानसभा चुनाव के दौरान बुलडोजर खूब मुद्दा बना था और विपक्ष ने इसे लेकर योगी सरकार पर कई बार हमला भी बोला, लेकिन जनता ने इसे काफी सराहा। वहीं सपा विधायक नाहिद हसन का नाम यूपी चुनाव के वक्त खूब चर्चाओं में रहा था और वो सपा के दागी उम्मीदवारों में से एक थे। उन पर 16 मामले लंबित हैं। नाहिद पहले बहुजन समाज पार्टी में थे, लेकिन उत्तर प्रदेश से मायावती की सत्ता जाने के बाद जब अखिलेश की सरकार बनी तो नाहिद ने भी पाला बदलकर सपा में शामिल हो गए। साल 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में नाहिद को बड़ी जीत मिली थी। उन्होंने यहां भाजपा प्रत्याशी मृगांका सिंह को 25,887 वोटों से हराया था। ब्यूरो न्यूज़, न्यूज़ ऑफ इंडिया।